नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी पंजाब में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और वो किस चीज का है, वो है पीएसपीसीएल क्लर्क JEE LM रिक्वायरमेंट 2021। यानी पीएसपीसीएल में विभिन्न रिक्त पदों के लिए क्या है, 2638 पदों के पर क्या है आपसे आवेदन मांगे गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि पीएसपीसीएल क्लर्क JEE LM का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पीएसपीसीएल रेवेन्यू ऑफिसर का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पीएसपीसीएल रेवेन्यू ऑफिसर का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पीएसपीसीएल JEE LM का आपका सिलेबस क्या होगा, और भी बात सारी बातें जो कि आपके मन में डाउट बनी हुई वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके वो डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज के बारे में है, पीएसपीसीएल क्लर्क वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है, वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। अगर बात करें तो पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड यानी पीएसपीसीएल ने विभिन्न रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार पीएसपीसीएल ने असिस्टेंट लाइनमैन, क्लर्क, रेवेन्यू अकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट के 2632 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य इच्छुक उम्मीदवार 30 मई 2021 से 20 जून 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पीएसपीसीएल में पीएसपीसीएल AEE क्लर्क जे वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम पीएसपीसीएल असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपोर्टेंट डेट क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो रेवेन्यू अकाउंटेंट की 18 पोस्ट है, क्लर्क की 549 पोस्ट है, जे इलेक्ट्रिकल की 75 पोस्ट है, असिस्टेंट लाइनमैन यानी AEE LM की 1700 पोस्ट है, और असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की 290 पोस्ट है। तो टोटल 2632 पदों के लिए आपसे क्या है ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो पीएसपीसीएल क्लर्क के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में आपके पास क्या है कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम 120 घंटे का। इसके बाद करें जेई की, जेई के लिए आपके पास क्या है 3 और 4 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस IT इंजीनियरिंग विद ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क, यानी आपके पास क्या है डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में हो या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर IT इंजीनियर में, कम से कम आपके क्या है 60% एग्रीगेट अंक होने चाहिए। असिस्टेंट लाइनमैन के लिए अगर बात करें 10वीं पास और ITI होना चाहिए। रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए कि आपके पास BCom की डिग्री है वो 60% एग्रीगेट अंकों के साथ आपके पास होनी चाहिए या फिर MCom होना चाहिए कम से कम 50% एग्रीगेट अंकों के साथ, या फिर आप CA इंटर या फिर ICWAI इंटर भी का भी डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट के लिए, तो इसके लिए आपके पास क्या है ITI या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिशियन या फिर वायरमैन विद मिनिमम 60% मार्क एंड 2 साल की आपके पास क्या है अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। अगर आपने ITI कर रखी है और आपके पास 2 साल का अप्रेंटिसशिप का डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम आपकी एज 18 वर्ष हो सकती है, मैक्सिमम आपकी 37 वर्ष आयु हो सकती है। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में। इंपोर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो नोटिफिकेशन आपका कब जारी हुआ है, वो पीएसपीसीएल का रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन है वो 21 मई को जारी हुआ है। पीएसपीसीएल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, 31 मई से, लास्ट डेट क्या आपकी 20 जून और फीस जमा करवाने की लास्ट डेट क्या आपकी 2 जुलाई, यानी 2 जुलाई से पहले पहले आपको अपने फीस का भुगतान कर देना है। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो सभी कैटेगरी SC और PWD को छोड़कर 800 रुपये आपकी फीस होगी, जिस पर आपका 140 रुपये का GST लगेगा, टोटल 944 रुपये आपकी फीस रहेगी।
एससी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए अगर बात करें तो ₹500 आपकी फीस होगी, ₹90 का आपका जीएसटी लगेगा, तो टोटल आपकी ₹590 फीस होगी। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीएस पीसीएल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सभी पोस्ट के लिए रिटर्न टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यानी पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दे दिया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले पीएसपीसीएल रिटर्न टेस्ट का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यानी एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो एग्जाम पैटर्न फॉर जेई की पोस्ट एएलएम और डबल सॉरी एडब्ल्यूएसए के लिए आपकी एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें आपका क्या है, जिस भी डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन या फिर जो भी डिग्री प्राप्त कर रखी है उससे संबंधित आपसे 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे और जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा, सिलेबस आपको लास्ट में बताया हुआ है। तो अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न फॉर कलर्क। कलर्क के लिए अगर बात करें तो स्टैटिक जीके प्लस में करंट अफेयर, साथ में जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन आएंगे आपके 20 नंबर के, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड की अगर बात करें 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न फॉर रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए। अगर बात करते हैं रेवेन्यू अकाउंटेंट का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो इसमें डिग्री लेवल फाइनेंस एंड अकाउंटेंट जो जैसे कि सीए या फिर आईसीडब्ल्यूए से संबंधित आपके 70 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें भी आपका क्या 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आपका पीएसपीसीएल का आपका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस से पहले बात करते हैं आपका पेपर के बारे में। तो लिखित परीक्षा में 100% आएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का होगा तो पेपर आपका 100 नंबर का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का वो काटा जाएगा। परीक्षा का समय 120 मिनट का होगा। पेपर पंजाबी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट क्या आपका, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है। चलिए बात करते हैं सिलेबस क्या रहेगा। पीएसपीसीएल सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज ये लगभग सभी पोस्ट में है। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें आएगा इन्वायरमेंटल इश्यू, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन पॉलिटिक्स, हिस्ट्री जो कि इंडिया वर्ल्ड की, करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जियोग्राफी और आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। बारी आती है आपकी कंप्यूटर नॉलेज। तो कंप्यूटर नॉलेज है वो आपका कलर की पोस्ट में सिर्फ, तो इसमें आएगा इंक्लूड कंप्यूटर रिलेटेड जनरल क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, डाटाबेस बेसिक से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, बेसिक ऑफ हैकिंग, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरस, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक, इंटरनेट टर्म एंड सर्विस, बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफ एमएस ऑफिस जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट एंड इट्स यूजेज से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग है वो सभी सब्जेक्ट सभी वैकेंसी का जो एग्जाम पेपर उसमें है। तो इसमें आएगा वर्ड लेसन, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, कोडिंग रिकॉर्डिंग, फिगरल पैटर्न, नॉर्मल ओवर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, लॉजिकल वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, नंबर रैंकिंग, एनालॉजी, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, अरेंजमेंट, फिगरल क्लासिफिकेशन और अर्थमेटिकल रीजनिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। बारी आती है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की। तो इसमें आएगा आपका फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेशन, स्टैटिकल चार्ट, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, पाई चार्ट, एवरेज परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एचसीएफ एलसीएम, जियोमेट्री सिंप्लीफिकेशन, बार ग्राफ, मेंशोरेंशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट, डाटा इंटरप्रिटेशन, एलजेब्रा, न्यूमेरिक नंबर सिस्टम, पिक्टोरियल ग्राफ और ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश जो कि सभी पोस्ट है उसके एग्जाम पैटर्न में है ये। तो इसमें आएगा आपका ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, इडियम एंड फ्रेज और यूजेज ऑफ वर्ड से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस।
जो कि सभी पोस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है अलग अलग, उसी हिसाब से आप इसको क्या देख लेना। अदरवाइज आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हो। अब बारी आती है जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो सैलरी के बारे में अगर बात करें तो PSPCL क्लर्क JEE LM सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आपका पे स्केल होगा वो 5200 रुपये से लेकर 20200 प्लस में आपको क्या है बेसिक पे भी दिया जाएगा। बेसिक पे आपका है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें हमने डिस्कस किया कि अभी PSPCL की लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी है उसका है, जिसमें अगर टोटल पदों की बात करें 2638 पोस्ट है। और साथ में हमने डिस्कस किया कि PSPCL रेवेन्यू अकाउंटेंट का आपका सिलेबस क्या है, PSPCL क्लर्क का सिलेबस क्या है, PSPCL JEE का सिलेबस क्या है, PSPCL ALM का सिलेबस क्या है, इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और सैलरी क्या है आदि बारे में क्या हमने विस्तार रूप से यहाँ पे चर्चा की है। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।